बिहार 94,000 शिक्षक बहाली। शिक्षा मंत्री के मौखिक रसगुल्ले के बीच चुनाव आयोग का बड़ा लेटर जारी हुआ। शिक्षा मंत्री मौखिक रसगुल्ला बांटते रहे कि चुनाव आयोग जल्दी अनुमति देने वाला है, आगे 94,000 शिक्षक बहाली चुनाव के बीच पूर्ण की जाएगी। पर चुनाव आयोग ने सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया। एक ऐसा लेटर जारी किया गया जिसको देखने के बाद आम अभ्यर्थी तो आता ही, शिक्षा मंत्री की भी बोलती बंद है। चुनाव आयोग का लेटर शिक्षा मंत्री के मौखिक रसगुल्ले पर भारी पड़ा है। इस लेटर के बाद पंचायत चुनाव तक किसी प्रकार की बहाली अब बिहार में संभव नहीं। ऐसे में लेटर में क्या लिखा है, हम आपको विश्लेषित करते हैं। आप देख सकते हैं राज्य निर्वाचन आयोग पटना द्वारा ये लेटर जारी किया गया सेवा में निदेशक माध्यमिक शिक्षा बिहार पटना को। विषय छठे चरण में नियुक्ति हेतु निर्धारित समय तालिका के आलोक में गतिविधि जारी रखने की अनुमति के संबंध में लिखा है। महासचिव उपरोक्त विषय प्रासंगिक पत्र द्वारा जिला परिषद नियोजन समिति द्वारा माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया को संपन्न किए जाने के प्रस्ताव के संबंध में कहना है कि जिला परिषद परामर्शी समिति के जिला परिषद के एक सदस्य होते हैं। आदर्श आचार संहिता मार्गदर्शिका भाग 3(1) में स्पष्ट अंकित है कि केंद्र राज्य सरकार की ऐसी कोई भी योजना जिसके क्रियान्वयन चयन में पंचायती राज संस्था के प्रतिनिधियों की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भूमिका है, उसके क्रियान्वयन पर रोक रहेगी। अतः उक्त आलोक में निर्देश अनुसार माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन प्रक्रिया को आदर्श आचार संहिता के प्रभावी रहने की स्थिति में विभाग के प्रस्ताव पर आयोग की असहमति संसूचित की जाती है। चुनाव आयोग ने सीधे तौर पर रोक लगा दी है 94,000 शिक्षक बहाली पर। ऐसे में आदर्श आचार संहिता मार्गदर्शिका के भाग 3(1) का हवाला देते हुए चुनाव आयोग ने सीधे तौर पर 94,000 शिक्षक बहाली नियुक्ति या आगे किसी प्रकार के काउंसलिंग पर रोक लगा दी है। अब देखना यह है कि जब 94,000 शिक्षक बहाली दिसंबर माह तक स्थगित रहेगी पंचायत चुनाव तक, तो ऐसे में सातवें चरण की बहाली के संबंध में अपर मुख्य सचिव संजय कुमार जो कहते हैं कि जनवरी माह में नोटिफिकेशन आएगा, कहीं वो भी शिक्षा मंत्री के मौखिक रसगुल्ले की तरह मौखिक रसगुल्ला न साबित हो जाए। ऐसे में देखना यह है कि आगे आचार संहिता के बाद कब तक 94,000 शिक्षक बहाली पूर्ण होती है और कब सातवें चरण की बहाली प्रक्रिया आगे आती है। बने रहे जुड़े रहे शिक्षा सुधार रोजगार के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, आप लाइक करना भूल जाते हैं।